भक्तजनों, तुलसी विवाह के पश्चात तुलसी माता का विसर्जन एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो शास्त्रों में वर्णित है। विसर्जन का महत्व इस प्रक्रिया से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं, आध्यात्मिक विश्वास और पारंपरिक नियमों से है। यह अनुष्ठान केवल एक धार्मिक कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश निहित है। तो इसलिए इस वीडियो में आप तुलसी विवाह के पश्चात विसर्जन के महत्व और कारणों को विस्तार पूर्वक समझिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ज्योतिष ज्ञान चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको हमारी द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय लक्ष्मी माता, जिससे कि लक्ष्मी माता की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी हमें आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय मिलेगा तो वह तुरंत हम आपको कमेंट बॉक्स में आकर बता देंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आइए जान लेते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का आयोजन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यह विवाह विष्णु भगवान और तुलसी माता के दिव्य मिलन का प्रतीक है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है और विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह कराने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के समय तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से किया जाता है। यह विवाह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस विवाह में सम्मिलित होकर व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। आइए प्रकाश डालते हैं विवाह के बाद विसर्जन के महत्व पर। तुलसी विवाह के बाद विसर्जन की परंपरा इस पूजा के समापन के रूप में देखी जाती है, यानी कि विसर्जन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे शास्त्रों में इस तरह से किया गया है कि विवाह के पश्चात तुलसी माता को वापस उनके दिव्य रूप में भेजा जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक वस्तु को वापस प्रकृति में लौटाने का नियम है, जैसे कि मूर्तियों का विसर्जन। तुलसी का विसर्जन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिससे व्यक्ति प्रकृति के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करता है। विसर्जन के द्वारा व्यक्ति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करता है। यह प्रक्रिया भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तुलसी विवाह के पश्चात तुलसी का विसर्जन करने से व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक संतोष मिलता है। यह विसर्जन केवल एक धार्मिक कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि एक धार्मिक साधना का भी हिस्सा है। विसर्जन के माध्यम से व्यक्ति में संतोष और शांति का अनुभव होता है। तुलसी माता के विसर्जन से वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है और मानसिक अशांति दूर होती है। तुलसी माता का विसर्जन हमें यह सिखाता है कि संसार में जो भी वस्तु है वह अस्थाई है और हमें अपनी किसी भी वस्तु के प्रति लगाव का त्याग करना चाहिए। तुलसी विवाह और विसर्जन करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह अनुष्ठान परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक पवित्र अवसर है, जिससे वे एक साथ जुड़ते हैं और सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित करता है, उसी प्रकार से तुलसी विसर्जन भी परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर आता है और उनमें भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, उसी प्रकार से माना जाता है कि तुलसी विसर्जन करने से परिवार में यदि किसी भी प्रकार के कष्ट और बाधाएं आने वाली हैं तो वह दूर हो जाती हैं। तुलसी विसर्जन को प्रकृति के प्रति सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है। तुलसी का पौधा पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है। विसर्जन के माध्यम से व्यक्ति प्रकृति के प्रति अपने सम्मान और आदर को दर्शाता है। विसर्जन करने से तुलसी को नए रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया जाता है, जो प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को पुनः जागृत करता है। तुलसी का विसर्जन करने से व्यक्ति प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता है। तुलसी विवाह और विसर्जन का अनुष्ठान बच्चों और युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से परिचित कराता है। यह उन्हें धर्म और परंपराओं के प्रति जागरूक करता है। इस अनुष्ठान से बच्चों में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है।
अगर बच्चे इस प्रकार के अनुष्ठानों में भाग लेते हैं तो वही बच्चे बड़े होकर एक सुखी और समृद्धशाली परिवार की नींव रखते हैं। विसर्जन करने से व्यक्ति में त्याग, समर्पण और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। यह उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ता है और परिवार के प्रति उनके प्रेम को बढ़ाता है। जिस प्रकार से तुलसी विवाह का अनुष्ठान आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, विसर्जन से व्यक्ति के मन में भक्ति का संचार होता है, वह ईश्वर के समीप जाने का प्रयास करता है। विसर्जन के दौरान व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण की अपनी भावना को दर्शाता है, जो कि उसे हर प्रकार का आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। तुलसी माता का विसर्जन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह अनुष्ठान घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और घर में सुख शांति लेकर आता है और घर में शुभता और पवित्रता का वातावरण बनता है। आइए अब जान लेते हैं विसर्जन की संपूर्ण विधि। आमतौर पर तुलसी विवाह के बाद अगले दिन या फिर 2-3 दिन के पश्चात विसर्जन की विधि अपनाई जाती है। कुछ परिवारों में इसे देवउठनी एकादशी के 4 या 5 दिनों के अंदर ही करना शुभ माना जाता है, ताकि पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। विसर्जन के दिन सबसे पहले तुलसी विवाह के व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसे समर्पित भावना के साथ किया जाता है। विसर्जन के दिन तुलसी के पौधे का अभिषेक किया जाता है। इसे पवित्र गंगा जल, शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तुलसी माता के सामने दीप जलाकर उन्हें प्रणाम करें और ओम तुलसिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जो फूल, कपड़े, श्रृंगार आदि तुलसी विवाह में उपयोग किए गए थे, उन्हें धीरे धीरे हटाएं। इन सामग्रियों को नदी, तालाब या फिर किसी पवित्र स्थान में विसर्जित कर दें। तुलसी के पौधे को भूमि में या नदी के किनारे विसर्जित कर सकते हैं। यदि पौधा जीवित है तो उसे किसी मंदिर में या फिर पवित्र स्थान में पुनः रोपित करें। विसर्जन के बाद तुलसी माता का प्रसाद सभी को वितरित करें। तुलसी विवाह के बाद तुलसी माता का विसर्जन करने से अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक लाभ प्राप्त होते हैं। विसर्जन की यह प्रक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इससे कई सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में शांति का अनुभव होता है। तुलसी विवाह और उसके बाद विसर्जन करने की परंपरा सनातन धर्म में अत्यंत ही पवित्र मानी गई है। यह विष्णु भगवान और माता तुलसी के पवित्र मिलन का प्रतीक है। इसे करके व्यक्ति पुण्य का भागीदार बनता है और साथ ही साथ जो भी परिवार, जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है और तुलसी माता का सही विधि विधान के साथ विसर्जन करता है, उसके घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि में कोई कमी नहीं होती है। तुलसी विवाह और विसर्जन के अनुष्ठानों से व्यक्ति के जीवन में किए गए पाप भी नष्ट होते हैं। माना जाता है कि इस अनुष्ठान से पूर्वजों को शांति मिलती है और उनकी आत्मा प्रसन्न होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। धन्यवाद।